स्मार्टफोन्स अपडेट। दोस्तों आज के टाइम पे हम जितने भी स्मार्टफोन्स देखते हैं मार्केट में, जितने भी स्मार्टफोन्स मिलते हैं, हर एक स्मार्टफोन पर टाइम टाइम पे अपडेट आता ही रहता है। किसी स्मार्टफोन में हर महीने अपडेट आता है, तो कई ऐसे भी स्मार्टफोन होते हैं जो हर 6 महीने में अपडेट देता है। तो क्या स्मार्टफोन को हर बारी अपडेट करना चाहिए? और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि स्मार्टफोन को अपडेट करने से क्या फ़ोन स्लो हो जाता है, क्या फ़ोन की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, क्या बैटरी जल्दी ख़त्म होने लगता है, एक्चुअल में रियलिटी क्या है। आज हम बात करने वाले हैं क्या कि स्मार्टफोन को अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं, और स्मार्टफोन को अपडेट करने से क्या वाकई में स्मार्टफोन स्लो हो जाता है या फिर नहीं, हम डिटेल में जानेंगे। और अगर आप भी एक स्मार्टफोन यूजर तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के साथ में घंटे को भी दबा देना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एंड्रॉइड फोन की। एंड्रॉइड फोन में हर महीने आपको सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट मिलता है, साथ में आपको सिस्टम स्टेबिलिटी का भी अपडेट मिल जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कुछ जैसे रियलमी और रेडमी हो गया, ये जो स्मार्टफोन्स हैं इनमें क्या होता है कि आपको हर महीने नया अपडेट मिल जाता है, जिनमें आपको नया सिक्योरिटी पैच लेवल मिलता है। सिक्योरिटी पैच लेवल क्या होता है? ये आपके फ़ोन की जो प्राइवेसी पॉलिसी से और भी ज़्यादा मजबूत करता है, यानी आपका फ़ोन हैक होने से, डाटा लीक होने से बच जाता है। और इसीलिए जो कंपनी है वो हर महीने एक नया सिक्योरिटी पैच लेवल देती है। जिस प्रकार से अगर एंटीवायरस आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में यूज़ करते हो, लेकिन जब तक आप अपने एंटीवायरस को अपडेट नहीं करोगे तब तक आपका एंटीवायरस प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से स्मार्टफोन क्या करती है, हर महीने आपको एक नया सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट देती है, और इसी के साथ साथ आपको कुछ नए नए फीचर भी उसमें ऐड करके दे देते हैं। तो जो नया फीचर है और जो नया सिक्योरिटी पैच लेवल आपको कैसे मिलेगा, जब आप अपने फोन को अपडेट करोगे। जब आप अपडेट ही नहीं करोगे तो आपको नया सिक्योरिटी पैच लेवल नहीं मिल पाएगा और ना ही नया फीचर मिल पाएगा। लेकिन यहीं पर कुछ लोग कहेंगे कि अगर मैं अपडेट कर दूं अपने फ़ोन को लेकिन फ़ोन स्लो हो गया तो? देखिए स्मार्टफोन जो स्लो होते हैं इसके दो मुख्य कारण है। पहला कि जैसे हम अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते जाते हैं साल भर हो जाता है तो हम अपने फ़ोन को एकदम से ठूस ठूस के डाटा भर देते हैं, हमारा रैम भी फुल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फ़ोन हैंग करने लगता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई नया स्मार्टफोन खरीदते हो, बाई करते हो, तो कम से कम 6 महीने तक आप उसमें एकदम से डाटा को स्टोर नहीं कर देते, भर भर के डाटा को आप स्टोर नहीं करते, साथ ही आप उसमें अनवांटेड एप्लीकेशन को भी नहीं डालते। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद उसमें मन चाहिए एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देते हो, अनवांटेड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देते हो और जितना चाहे उसमें डाटा फुल कर देते हो, जिसकी वजह से आपका फोन हैंग करता है, लैग करता है। लेकिन आपको यह लगता है कि आपका फोन सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से हैंग हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, बहुत से ऐसी फ़ोन कंपनियां हैं जो अपडेट के माध्यम से अपने फ़ोन को खुद ही स्लो कर देती है। इसका रीज़न ये है कि अगर आपका पुराना ही फ़ोन टॉप नॉच चलता ही रहेगा, आपका पुराना ही फ़ोन एकदम बेहतर तरीके से रन करता रहेगा, तो आप नया फ़ोन क्यों बाय करोगे? लेकिन वही अगर कंपनी आपके पुराने फ़ोन को स्लो कर देगी तो आप मजबूर हो जाओगे एक नया फ़ोन बाई करने के लिए। और इसीलिए कुछ कंपनियां होती है जो बहुत पॉपुलर भी कंपनियां, वो भी ऐसा करती है कि अपने पुराने स्मार्टफोन को अपडेट दे करके स्लो कर देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक एंड्रॉयड फ़ोन सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्लो हो जाता है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। मैंने व्हाट्सअप अपडेट के ऊपर एक वीडियो बनाया था, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपने उस वीडियो को भी देख लिया होगा। उस वीडियो पर मैंने आपको बताया था कि व्हाट्सअप हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने इतने ज़्यादा अपडेट क्यों लाता है, उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया। जिसका रीज़न ये है कि हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने वो कुछ न कुछ नए नए फीचर ऐड करते ही रहता है। और ये जो फीचर है, नया फीचर, ये आपको तभी मिलेगा जब आप नए वर्जन के व्हाट्सएप को इंस्टॉल करोगे। मतलब कंपनी अपडेट के माध्यम से आपको एक नया फीचर प्रोवाइड करा पाती है। इसी प्रकार से जो स्मार्टफोन कंपनी है वो भी आपको नए नए अपडेट देती है, जिससे आप उनके नए फीचर को इस्तेमाल कर पाओ, नए नए सेटिंग्स के इस्तेमाल कर पाओ और आपको एक नया सिक्योरिटी पैच लेवल मिल जाए दोस्तों। लेकिन अगर आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से ही फ़ोन स्लो होता है तो ऐसा नहीं है। फ़ोन स्लो होने का बहुत सारे रीज़न मैंने आपको बता भी दिए। और देखिए, अगर आप ये मान के चलते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट कर देने से फ़ोन स्लो हो जाएगा, और अगर आप अपने फ़ोन को अपडेट कर देते हैं तो किसी दूसरे वजह से भी आपका फ़ोन हैंग हो गया फिर स्लो होगा, तो आपको यही लगेगा कि मैंने जो फ़ोन को अपडेट किया है इसी वजह से हमारा फ़ोन स्लो हो रहा है। क्योंकि लोगों की ये माइंड में सेट हो चुका है कि अपडेट करने से फ़ोन स्लो हो जाता है। यार कुछ कंपनियां जो ऐसा करती है, बट हर एक कंपनी ऐसा नहीं करती, आपको इस बात को समझना होगा।
है कुछ कंपनियां जो करती है, हर कंपनी ऐसा नहीं करती। मैंने आपको बताया, देखिए जब स्टोरेज फुल हो जाता है, अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते तो अपने स्मार्टफोन पर रैम फुल हो जाता है, रैम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता, तो ऐसे केस में फोन कंपलसरी हैंग करता है, स्लो चलता है। अभी मैंने 1.5 लाख का कंप्यूटर बाय किया है, इसमें क्या हुआ कि जैसे ही ओवरहीट होता है तो हमारा कंप्यूटर एकदम से स्लो हो जाता है, हैंग करने लग जाता है, लेकिन जब फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है तो हमारा कंप्यूटर बिल्कुल रॉकेट की तरह चलता है, मतलब हाई स्पीड में काम करता है। तो कुछ ना कुछ रीजन होता है फोन को स्लो होने का, हैंग करने का। ऐसा नहीं कि अपडेट की वजह से ही फोन स्लो होता है। मेरे पास 4 साल 5 साल पुराना भी फोन है, सब एकदम टॉप क्वालिटी में चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बैटरी बैकअप भी वही है, मैं हमेशा अपडेट करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, आप इस चीज़ को माइंड से निकाल दीजिए कि अपडेट करने से फ़ोन हैंग होता है। आप अपने फ़ोन को प्रॉपर तरीके से अपडेट कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाला दोस्तों। आई होप अब आप जान पाओगे कि आखिर फ़ोन को अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं, और फ़ोन को अपडेट करने से क्या वाकई में फ़ोन स्लो होता है या फिर नहीं। मैंने आपको बता दिया कि फ़ोन कौन से कंडीशन में हैंग करता है, स्लो चलता है। अगर इसके अलावा मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी संदीप_पटेल_72, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, मुझे फॉलो कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर बताने के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।